एवरीवन, व्हाट्स अप, होप यू गाइस डूइंग वेल। माय नेम इज इंदिरा रानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अनदर ब्लॉगिंग वीडियो। आज मैं जा रही हूँ अपने दी को सरप्राइज करने। पहले तो कभी होम सिक नहीं होता था क्योंकि दी के साथ रहती थी, अब सडनली अलग अलग रह रहे हैं तो मुझे काफ़ी याद आ रही थी उसकी। तो मैंने कर ली है टिकट बुक और बैग पैक कर लिया और आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। देखिए कैसे कैसे जर्नी जाने वाला है मेरा। तो सबसे पहले मैंने मेट्रो लिया क्योंकि मेट्रो से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं गुड़गांव रहती हूँ तो हुडा का मेट्रो स्टेशन लिया था फॉर न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली से मैंने ट्रेन लिया था और मैं एकदम कम टाइम माइट भी हाफ एन आवर व 15 मिनट का बफर लेके चल रही थी। तो मैं फटाफट चाह रही थी कि टाइम पर पहुँचूँ, ट्रेन मिस ना हो जाए, बट थैंकफुली मैं टाइम पर पहुँच गई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरे पास ओनली 15 मिनट है कि मैं प्लेटफॉर्म तक पहुँचूँ सही से। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मेरे दी से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम भी हो गया था, पहले घर पे रहती थी, दी के साथ रहती थी ना, तो मुझे होम सिक नहीं होता था। जब से अलग अलग रह रहे हैं मुझे घर की इतनी याद आती है। और फटाफट प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ओके, उसके बाद मिलते हैं। दिस इज माई ट्रेन, ट्रेन मिल गई, थैंक गॉड। एंड मैं इसमें तो मैं टाइम पे पहुंच गई थी एंड ट्रेन चलने भी लगी थी। मैं बैठते ही मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ और चलने लगी थी। फिर मैंने स्नैक्स खाए, स्नैक्स और डिनर दोनों अवेलेबल थे। सर्विस काफ़ी अच्छी होती है। मैंने स्नैक्स टाइम में वीडियो उठाना भूल गई थी तो डिनर का मैंने वीडियो ले लिया था। और काफ़ी अच्छी सर्विस है वंदे भारत की। एंड एक दो और ट्रेन है जिसकी सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ अगर मैं जाऊँ तो। मैं पहुंच गई हूँ चंडीगढ़ फाइनली। एंड यहाँ से मुझे कैब करना पड़ेगा, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि मेरी दी को कैसे लगेगा, कितना अच्छा रहेगा सरप्राइज। फिर टाइम पे मैं पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने ऑटो करा अपने घर के लिए जहां मैं रहती हूं एंड इट वाज प्रीटी एक्साइटेड। घर के बाहर लाइट भी नहीं है एंड हमारी स्कूटी कहां गई? मेरी स्कूटी मुझे दिख ही नहीं रही है दी के पास। मुझे सच में वहां दिख गई मुझे। हाय मेरा प्यार, मुझे मेरी स्कूटी से इतना प्यार है। इधर ही है अभी तो। और अब हम एंट्री करने वाले हैं। आई एम श्योर मेरी दीदी शॉक होने वाली है। देखते हैं चलो। ये मेरा घर, ये सब बिगाड़ के रखा है इसे, थोड़ा भी सफाई नहीं। भाई मेरी दीदी इतनी खुश हो गई। और यहाँ अभी चंडीगढ़ में अभी भी हमें रजाई है। ओ गॉड, ये रजाई ओढ़ के सोती है और वहाँ दिल्ली में इतनी गर्मी हो गई है कि मुझे एसी चलाना पड़ा था। भाई बिल्कुल ही पता नहीं चलता है यहाँ हर जगह के मौसम। मेरी दी कितनी खुश हो तुम? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। डे कल मैं आ गई थी दी को सरप्राइज करा एंड सी वॉज रियली हैप्पी और प्लस मैं भी हैप्पी। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम दोनों। वहाँ खड़ी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्चुअली वी प्लान्ड कि अब नेक्स्ट डे है तो हमने सोचा घर में क्या रहते हैं, ऊपर से वीकेंड है, दी का भी ऑफ है, मेरा भी ऑफ है, तो हमने प्लान करा कि यहीं आसपास कहीं घूमने चलते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं होती ना, दी भी अकेले हो जाती है, वो घूम मतलब क्या ही घूमेगी अकेले, ऐसा हो जाता है। तो यस, नाउ हम रेडी हो गए। हम बताते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। चंडीगढ़ का आसपास की जगह है ये दी। एक्चुअली हमने कैब बुक करा है तो मेरी दी बोल रही है कैब देखो, कैब देखो। अभी देख के मैं फिर अपडेट दी थी आपकी दी, फिर मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं। अब तो दी स्टार्टिंग में नहीं बता रही थी कहाँ जाना है। एट द लास्ट बताया कि सुखना लेक चल रहे हैं हम, और चंडीगढ़ में हो आप सुखना लेक
मस्ट विजिट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा चिल आउट करने के लिए। एंड चंडीगढ़ के रोड तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगते, बहुत प्लान सिटी है, बहुत क्लीन सिटी है, मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। अगर कभी भी मैं चंडीगढ़ घूमने के लिए निकलती हूँ तो आप देख रहे हो कितने ग्रीन सीनरीज है, कभी भी आप चलाओ अपनी कार हो तो काफ़ी प्यारा लगता है। हमने तो कैब करी थी तो कैब से भी मतलब सेम व्यूज तो सेम ही होगा, तो प्रीटी गुड था एक्सपीरियंस। और मेरी दी आगे जा रही है और ये हमने कैमल देखा, वाओ। एंड हम आए हैं सुखना लेक, दीदी ने मुझे रास्ते में बताया, मुझे पता भी नहीं था। हम आ गए सुखना लेक, वाओ। आगे ना काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन करा गया है गार्डन्स का, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है देखो कितने प्यारे, ओ वाओ। मैं ज़्यादा प्यारी हूँ ये तो प्यारी है ही, बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, आई रियली लव। और हम अंदर गए, मेन अमेजिंग थिंग बहुत, ओ वाओ, बहुत सारे यहाँ कैफे हैं, आप लोग आके आराम से चिल कर सकते हैं, यहाँ टिंग कर सकते हैं आप इजली। पैडल है 2 सीटर 250 और 250 आपको 250 हाफ एन आवर के लिए है और 250 आपको रिटर्न हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको 500 देना पड़ेगा और 4 सीटर का 500 है प्लस 500 GST। और सिकारा भी है बिना पैडल वाला भी है, तो मैंने कभी पैडल वाला नहीं किया है, तो टुडे आई वांट टू ट्राई कि मैं पैडल वाला बोर्ड करूँ। तो मेरी दी टिकट ले रही है, काफ़ी अच्छा है खाने का, मुझे तो बहुत सारी खुशबू आ रही है खाने का। तो यहाँ पीछे मेरी दी टिकट ले रही है, जैसे मैंने बताया आपको 250 रुपीज़ है, आपको कार्ड में लगेगा। ये एडवेंचर हो गया क्योंकि ना पैडल वाला कभी हमने नहीं लिया, तो मैंने दीदी को बोला चलते आज पैडल वाला करेंगे, और दीदी इतना डर रही है बट मजा आ रहा है काफी ज्यादा। हम कहाँ जा रहे हैं, उधर हमें उधर जाना है दीदी, उधर जाना हमें उधर जाना है। ओ भाई बहुत सुंदर है, कैसा लग रहा था एक्सपीरियंस? और यू नो मेरे देखो इतना मतलब इट्स लाइक हेवन सेंटर। हाँ एक्चुअली ना ये भाई आप देख पा रहे हो प्रॉपरली, ये लेक के बीच में है हम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। हमने कभी ये पैडल वाला नहीं लिया, तो पहले दीदी डर रही थी कैसे चलाएंगे कैसे होगा, बट आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड क्योंकि कभी नहीं करा था ना, तो करने में मज़ा आता है। एंड वाओ देखो, और ना वहाँ एक पर्सनल बोट भी है, मतलब आप हर टाइप का ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी आके इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी चिल वाला प्लेस है। एंड लुक एट द व्यू, सीरियसली कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है जितना ब्यूटीफुल व्यू है ये। एंड ये ना बीच में है, लेक के बीच में हम पहुँचे हैं, वाओ ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो याच भी है, वाओ दिस इज़ प्रीटी कूल, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि ये याच भी यहाँ होगा इस लेक में। वाह ये भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग याच वगैरह कुछ करेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे कि चंडीगढ़ ही हमेशा हमारी। तो क्या हो गया, आ सकते घूमने, बोटिंग कर लिया हमने, वाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब हम बाहर आ गए, पिज्जा एटीएम, व्हाट इज पिज्जा एटीएम, आई एम नॉट श्योर, अब जरा फटाफट कुछ खाते हैं बिकॉज़ भूख लग रही है, पता नहीं बाहर निकलते ही भूख लग जाती है। स्टार्टिंग विथ मोमोज बिकॉज आई लव मोमोज, तो मैंने स्टार्ट करा मोमोज से, फिर देखते हैं बहुत सारा फास्ट फूड का है तो हाँ ट्राई दिस। और इन्होंने कभी कॉर्न मोमोज नहीं खाया था, मैंने तो एक बार खाया है बट द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड, तो अभी भी मुझे लग रहा है इससे अच्छा ही होगा।
बोले अंदर सोयाबीन है कौन की जगह चाट ट्राई करने वाले। ये वाला चाट मैंने कभी नहीं खाया। आलू है ये टोकरी, आलू टोकरी चाट, और ये भी आलू से ही बना हुआ है। वाओ, और ये नीचे दही वाला, और हमने पानी पूरी और ये टोकरी चाट ऑर्डर करा है। वहाँ पानी पूरी बिक रहा है। आई एम ट्राइंग दिस चाट। ओह गॉड, इतना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। आई लव इट देखने में। आप खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। ट्राई अच्छा है। ट्राई कर सेकंड। और सामने वहाँ लाइटिंग स्टार्ट हो गई, कितना प्यारा है। और दीन बता रहे थे कि यहाँ सारे लाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, ये अंदर भी लाइटिंग होती है। तो दिस इज रियली गुड प्लेस टू हैंग आउट, चिल करने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ हसल एंड बशल को चिल करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। इफ़ चंडीगढ़ वालों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा। इफ़ आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हो और आपको नहीं आइडिया है तो आप सुखना लेक पक्का विजिट करें। हमारा है मसाला डोसा, बिकॉज कुछ हेल्दी हो जाए इतना फ्राइड खा के। नैपकिन नहीं मिल रहा था वहाँ, इतना रश था तो मैं नहीं मिल रहा दिख रहा है मुझे, तो वहाँ नहीं मिल रहा, तो आपको काउंटर में लेना चाहिए था, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आप पहले खाते हैं फिर लेके आते हैं। इतना ऑयली ऑयली खाने के साथ आप कैसे भूल सकते हो। ऑयली तो है ही नहीं ये सारे। विद आइसक्रीम आवर डे बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया दिन हमारी भी, राइट। अब देख खाते और इन्जॉय करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। रात का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल था, एंड मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि हमें अपने लव्ड वंस को हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहिए, कभी मिलके, कभी गिफ्ट्स देके। आई डिड एंड आई फेल्ट गुड। सो यस, आप लोग भी प्लान करना है ऐसे अपने लव्ड वंस के लिए कि सरप्राइज़ ही दे दो। चलिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोग सेफ एंड हेल्दी रहे।